सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2016 के पेपर को, इसके बाद 2017 के पेपर को, फिर 2018 के पेपर को। इसके बाद अगली क्लास में हम अगले साल के जो पेपर्स हैं उनको देख लेंगे, यानी कि दो पार्ट में सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम यहाँ पर कवर कर लेंगे, सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को। ऑलरेडी सारे के सारे पेपर्स को पूरा सोल्यूशन मैं करवा चुकी हूँ सारे के सारे पेपर्स का, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ा रही हूँ ताकि सुपर फास्ट रिवीजन एक तरीके से आपका हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 2016 के पेपर में, बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक है। तो बाबरनामा बाबर द्वारा लिखी गई उसकी आत्मकथा है और इसने तुर्की भाषा में लिखी थी, एग्जाम में कभी कभी पूछता है, इसे तुजु के बाबरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था क्योंकि शेर शाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी, हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी थी, हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी या बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाने व्यर्थ सिद्ध हुए। तो राइट आंसर यही है कि बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाने व्यर्थ सिद्ध हो गए थे। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, यह शब्द शेर शाह ने कहे थे। तो ये मालदेव से युद्ध करने के बाद शेर शाह ने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फोर है, इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था, अकबर, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। राइट आंसर है अकबर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर फाइव है, मराठों का सर्वाधिक उत्थान किसके काल में हुआ था। तो जो मराठे थे उन लोगों का सबसे अधिक सर्वाधिक उत्थान हुआ था शिवाजी के काल में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ब में दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सुपर फास्ट रिविजन है, थोड़ा फास्ट ही हम लोग देखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपके पास समय भी कम ही होता है एग्जाम से पहले। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विलय नीति का संबंध किससे है। विलय नीति का मतलब जिन राजाओं या रानियों के पास उनके खुद की संतान नहीं होती थी, अंग्रेज उनके जायदाद को, उनके महल को, उनकी संपत्ति को हड़प लेते थे, तो इसे कहते थे विलय नीति। और इसका संबंध किससे है, लॉर्ड डलहौजी से। क्वेश्चन नंबर सेवन है, संसद से तात्पर्य है, संसद का नाम जैसे ही आएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आपके दिमाग में तुरंत आने चाहिए, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है। तो संकटकालीन स्थिति अगर आती है तो उसका घोषणा करने का अधिकार है, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करने का भी अधिकार है राष्ट्रपति को, संसद को भंग करना और नए चुनाव के लिए आदेश देना ये भी अधिकार है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युत करना, तो सांसदों की नियुक्ति तो हम लोग करते हैं, आम जनता करती है, ये राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर टेन है, सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है। तो सर्दियों में अंटार्कटिका में 2400 घंटे अंधेरा रहता है, तो 24 घंटे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ है, गेरू, चांदी, अभ्रक या बर्फ। तो राइट आंसर है अभ्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, कर्नाटक में कैगा में स्थित है विद्युत उत्पादन केंद्र, परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र, रेलवे इंजन उत्पादक केंद्र या एल्युमिनियम उत्पादक केंद्र। राइट आंसर है परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में डाक प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी। तो डाक प्रणाली जो प्रारंभ हुई थी, शुरुआत कब हुई थी, प्रारंभ यहाँ पर पूछ रहा, तो शुरुआत 1766 में ही हो गई थी, तो ऑप्शन आ यहाँ पर 1766 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, रैंच किसे कहते हैं, पशुओं के बाड़े को, मनुष्यों के घर को, जंगलों के पुंज को या पर्वतों की श्रेणी को। तो हम रैंच कहते हैं पशुओं के बाड़े को, ऑप्शन आ यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सीरीज में भी यही दे दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैंने आपको ये ऑप्शन बताया था कि पर्वतों की श्रेणी को, लेकिन पर्वतों की श्रेणी अगर होगा तो वो माउंटेन रेंज होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो वो क्या होगा, माउंटेन श्रेणी, माउंटेन रेंज होगा, इस तरीके से माउंटेन रेंज ऐसे लिखा रहेगा, वो रेंज नहीं होता है, वो रेंज होता है, जिसकी वजह से मुझे भी कंफ्यूजन हो गई थी, क्योंकि रेंज पर्वत श्रेणी को रेंज तो कहते ही हैं, तो इस वजह से मैंने आपको ऑप्शन द बता दिया था। राजन सीरीज में भी सही कर लीजिएगा आप लोग और पवन सीरीज में भी सही कर लीजिएगा,
यहाँ पर रेंज, यहाँ जब माउंटेन रेंज पूछेगा तब हम पर्वतों की श्रेणी लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर रेंज पूछेगा तो वो राइट आंसर पशुओं का बाड़ा ही होगा, ऑप्शन द यहाँ पर सही नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन आ ही सही होगा, ठीक है। तो इसको इसको आप लोग सीरीज में जरूर सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पर हम देखेंगे 2017 के प्रश्नों को, 2017 में पूछे हुए जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार कौन थे? तो बीरबल तो मंत्री थे, आप सभी को पता है, राजा टोडरमल, अबुल फजल। राइट आंसर है तानसेन। तानसेन आप सभी को पता है कितने अच्छे गायक थे या संगीतकार थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, ऑप्शन आ सही जाएगा, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और उसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध या कर्नाटक युद्ध? तो राइट आंसर है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिंक? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, लॉर्ड वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ है? हम सभी को पता है प्रसिद्ध जो गिर वन है ये स्थित है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 6 है, रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? मानसूनी, सदाबहार, मरुस्थली या ज्वारी? तो ये दोस्तों सदाबहार वन में आता है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन, जब कोई पेड़ काटने आता था तो लोग चिपक जाते थे पेड़ों से, तो ये है वनों की रक्षा हेतु, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, या वित्त विधेयक कोई हम धन विधेयक कहते हैं, तो केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों सदनों में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर है केवल लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र सूची का विषय नहीं है, रेलवे, बैंक, विदेशी मामले या शिक्षा? तो जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची में आती है, इस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, ठीक है। बाकी रेलवे, बैंक और विदेशी मामले ये तीनों केंद्र सरकार के सूची में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष की आयु, और अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है? तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली ये ब्रिटेन से ली है, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का सभापति। सारी क्लासेस ली हैं, सारे विषयों के, राज्य सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ बना करके अच्छे से क्लास लेके पढ़ा दिया है, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी उनकी, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, सोनोराम मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में है, ये भी सही है, महान विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन थार मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में नहीं है, ये गलत है, तो ऑप्शन ब ही यहाँ पर ये जोड़ा गलत है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773, 1784, 1793 या 1813? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? तो हम सभी को पता है कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं। दोस्तों 2017 में पेपर आउट हो गया था आप कह सकते हो, तो पेपर दोबारा हुआ था, आप सभी को पता है कि डीएलएड में भी अब पेपर जो है वो आउट हो जाता है, तो सेकेंड टाइम हुआ था, तो वो भी प्रश्न आप, वो भी क्वेश्चन पेपर आप देखिए। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ था 712 ईस्वी में, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहते हैं? आपने देखा उसमें ताजमहल बना था, और ये किसके शासनकाल में? शाहजहां के, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? तो देवगिरी, दौलताबाद, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी, ऑप्शन अ यहाँ पर जर्मनी का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 11 नवंबर 1918 को, ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ किस कौन दिलाता है? हम सभी को पता है राष्ट्रपति, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 10 है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? मकबरा यहाँ पर दरगाह नहीं पूछा है, तो ये है फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जिनेवा में, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अधूरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो अधूरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था जर्मनी ने, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1966-1967 में, तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन है? तो नेपाल, चीन, ब्रिटेन या जापान? तो सबसे पुराना चीन है, उसके बाद जापान भी आता है, फिर हमारा देश भी आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तने से, जड़ से, फल से या पत्तों से? तो राइट आंसर हो जाएगा फल से, ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 2018 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इनको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने शुरू करवाया था, जिसे आज हम हाईवे के नाम से जानते हैं, ये किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था शेर शाह सूरी ने, तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष कब हुआ था? तो ये हुआ था जहांगीर के शासनकाल में, चित्रकला और स्थापत्य कला शाहजहां के काल में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा, 3 युद्ध हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक क्लाइव, अल्मीडा, डुप्ले या अर्कूट? तो राइट आंसर हो जाएगा क्लाइव, ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका? राइट आंसर है एशिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत इसमें से कौन है? तो खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या कोयला? तो राइट आंसर है सौर ऊर्जा, ये गैर परंपरागत में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रीन इंडिया मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था 2014 में, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यायपालिका का कार्य नहीं है संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, न्याय का पुनरावलोकन करना, कानूनों का क्रियान्वयन करना, ये काम नहीं है न्यायपालिका का। क्वेश्चन नंबर 10 है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ब, संसद को। क्वेश्चन नंबर 11 है, संसद का उच्च सदन द्वितीय सदन है, तो उच्च सदन हम राज्यसभा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों और अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। क्वेश्चन नंबर 13 है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है? तो रेलवे है, ऑप्शन अ सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है कौन? तो देश की मुद्रा की पूर्ति का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? सीमा शुल्क, आयकर, भू राजस्व या केंद्रीय उत्पाद शुल्क? तो दोस्तों सीमा शुल्क, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये सब केंद्र सरकार लगाती है लेकिन भू राजस्व का नहीं लगाती है, तो ऑप्शन सा सही हो जाए। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने सारे क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7705-9545-49, इस पर कॉल करके अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपको सारे विषयों के नोट्स, क्लासेज, मास्टर क्लासेज, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, पूरी की पूरी क्लासेस चाहिए तो ये सब आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। क्लास को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।